हम लोग अपने हिंदी के पाठ पुस्तक के पाठ 5 भीमा कथा के बारे में जानेंगे। यह जो कहानी है, यह कहानी किरण कस्तूरिया की कहानी पे आधारित है। यह कहानी इस कहानी को लेखक ने एक नाटक का रूप दिया है। इस कहानी को लेखक ने एक नाटक के रूप में हम लोगों को बताया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाठ के परिचय को जाने। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि एक गधा था, जो गधा अपने मालिक के साथ रहता था और रोज आलस के कारण वह भूखा ही अपने काम पर जाता था। इस कहानी इस नाटक में लेखक ने गधा, गधे के 3 दोस्त और उसके मालिक के चरित्र का वर्णन किया है। और उन्होंने इस नाटक के द्वारा यह भी बताया है कि हमें अपनी जिंदगी में आलस से नहीं करना चाहिए। आलस के कारण ही हम अपनी जिंदगी में अपने काम को सही समय पर नहीं कर पाते हैं और हम अपनी जिंदगी में हर आगे वाले लोगों से पीछे छूटते जाते हैं और प्रगति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हैं। यह हुआ इस नाटक का पाठ परिचय। आइए अब हम इस नाटक में आए कुछ शब्दार्थों को जानते हैं। तो एक बार आप अपनी नजर को इस श्याम पट पर डालें। सबसे पहले कुछ शब्दार्थ, कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, उन्हें हम लोग जानते हैं। कुम्हार, कुम्हार का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। आप लोगों ने कुम्हार को देखा होगा। आप लोग देखते होंगे कि जो लोग मिट्टी का एक आकार देते हैं और उससे बर्तन बनाते हैं, उसे ही हम कुम्हार कहते हैं। दूसरा, निश्चिंत, बिना किसी चिंता के, जो बिना किसी परेशानी के रहते हैं, जिसे कोई चिंता नहीं होती है। हड़बड़ाकर, जल्दी से घबराकर, जो जल्दी जल्दी और घबराकर अपने कार्य को करते हैं। चिंतित, परेशान, जो परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। आइए हम इस नाटक को विस्तृत रूप में जानेंगे। सबसे पहले इस पाठ का क्या नाम है? भीमा गधा। इस पाठ का क्या नाम है? भीमा गधा। तो आप लोग तो अब जान ही गए होंगे कि यह जो पाठ है किस पे आधारित है, एक गधे पे आधारित है। आइए हम लोग इस पाठ के पात्र को जानें। जीतू कुम्हार, भीमा गधा, गौरी गाय, चीनू मुर्गा और मोती कुत्ता, ये सारे जो है इस नाटक के पात्र है। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, पात्र जो है जीतू कुम्हार, जो कुम्हार उसका नाम क्या है? जीतू। गधा उसका नाम क्या है? भीमा। गाय उसका नाम क्या है? गौरी। मुर्गा उसका क्या नाम है? चीनू। और कुत्ता जिसका नाम है मोती। कुम्हार कौन है? वह गधा का मालिक है। आइए हम लोग इसके पाठ को पढ़ते हैं। जीतू डांटते हुए, अभी तक सोया है, चल उठ काम पर जाना है। जीतू कौन है? भीमा गधा का मालिक है, जो एक कुम्हार है। वह मिट्टी लाता है और मिट्टी ला करके मिट्टी को एक बर्तन के रूप में आकार देता है और उसे बेचने का कार्य करता है। तो जीतू किसे डांटता है? भीमा गधा को डांटता है कि अभी तक तो सोया हुआ है, जल्दी उठ, हम लोगों को कहाँ जाना है? काम पर जाना है। भीमा हड़बड़ाकर उठते हुए, जी मालिक, और भीमा जल्द सोया हुआ होता है इसलिए अपने मालिक को देख करके वह हड़बड़ा करके जल्दी से उठता है और जी मालिक कह करके काम पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। जीतू अब खाना मत खाने लग जाना। जो जीतू होता है उसे काम पर जाने की हड़बड़ी होती है, इसीलिए वह भीमा गधा को कहता है अब तुम खाना खाने मत लगना, अब जल्दी जल्दी काम पर चलने की तैयारी करो। पहले की कितनी देरी हो गई है, पहले ही हम लोगों को तुम्हारे कारण देरी हो गई है, तुम सोए रहते हो जिसके कारण काम पे जाने में देरी हो जाती है, इसलिए अब जल्दी उठो, तैयार हो, खाना तुम्हें नहीं खाना है, अब हम लोगों को जल्दी से काम पर जाना है। भीमा मन ही मन, आज भी मेरी नींद समय पर नहीं खुली और आज भी खाने के बदले डांट खाकर ही पेट भरना पड़ा। भीमा बेचारा मन ही मन बोलता है कि मेरा मालिक बहुत ही बदमाश है और मैं भी आलस्य के कारण जल्दी नहीं उठता हूँ, जिसके कारण मुझे सुबह काम पर भूखे ही पेट जाना पड़ता है और मुझे दिन भर अपने मालिक के डांट से ही पेट भर करके भूखे पेट काम करना पड़ता है। जीतू और भीमा काफी देर के बाद वापस लौटे। जीतू ने भीमा के ऊपर से मिट्टी के भरे घोड़े उतारे और उसे खुला छोड़ दिया। अब जीतू और भीमा काम पे चले गए। काम पर से लौटने में उन्हें बहुत देरी हो गई और जब वापस लौटे थे तो शाम हो चुकी थी। उसके बाद जीतू वह कुम्हार है, इसलिए वो मिट्टी की बोरी अपने कार्य के काम के लिए लाता है, जो कि गधे पर लाद करके लाता है और उसे ला करके खुले में छोड़ देता है। और भूख के मारे भीमा की जान निकली जा रही थी और भीमा जो था वह दिन भर का भूखा था, वह कुछ खा के नहीं गया था, जिसके कारण उसके जो पेट में बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। वह खाना देखते ही उस पर टूट पड़ा। जब उसके मालिक ने उसे खाना दिया तो वह उसे देखा और जल्दी जल्दी खाने लगा। खाना खाकर उसकी जान में ही जान आई और जब वह खाना खाया तो उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा। वह उदास बैठा, कुछ सोच रहा था। उसके पड़ोस में रहने वाली गौरी
करके देखा। और जब वो खाना उना खा करके आराम से बैठा था तो वो बहुत उदास बैठा हुआ था और उदास बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। उसकी एक दोस्त थी जो उसके पास ही रहती थी, उसका नाम क्या था, गौरी। उसका क्या नाम था, गौरी। वह क्या थी, गाय थी। वह जो अपने मित्र को भीमा गधा को उदास बैठे देखती है तब वह उसके पास जाती है और उससे पूछती है, गौरी क्या भीमा बहुत परेशान लग रहे हो। गौरी जो थी वह गाय थी और वह भीमा गधे के पास जाकर के पूछती है, क्या हुआ भीमा, तुम इतने परेशान क्यों हो। भीमा, हाँ बहन मेरी परेशानी यह है कि मेरी नींद समय पर नहीं खुलती है, मुझे हर रोज अपने मालिक से डांट सुननी पड़ती है। और भीमा बेचारा गधा, वह तो गधा का गधा ही है जो कि समय पर नहीं उठता है। वह व्याख्या अपनी सहेली अपनी गौरी गाय को वाहन के रूप में सुनाता और कहता है, मेरी सुबह नींद नहीं उठती है जिसके कारण मेरा मालिक मुझे सुबह भोजन नहीं देता और मुझे खाली पेट ही कहाँ जाना पड़ता है, काम करने के लिए जाना पड़ता है और दिन भर उसकी डांट मुझे खानी पड़ती है। गौरी, बस इतनी सी बात, कल से मैं तुम्हें सुबह जगा दिया करूंगी। और गौरी बोलती है, ठीक है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कल सुबह तुम्हें जगा सुबह से कल तुम्हें रोज जगा दिया करूंगी। तुम सुबह उठ जाना, तुम सुबह उठ करके जल्दी से तैयार हो जाना और भोजन करके ही अपने काम पे जाना। अगली सुबह गौरी भां भां करती रही लेकिन भीमा की नींद नहीं खुली। अगली सुबह हुई, जो गौरी जो है वो आवाज देती रही, भां भां करती रही लेकिन उसकी आवाज से भी भीमा गधा नहीं उठा। रोज की तरह आज भी भीमा को डांट खाकर काम पर जाना पड़ा। वापस लौटकर भीमा फिर से उदास बैठा था और रोज की तरह उसे फिर सोकर उठने में लेट हो गया, लेट हो गई। वह फिर से देरी से उठा और क्या हुआ, आज फिर उसे दूसरे दिन भी अपने मालिक से डांट खा करके काम पर जाना पड़ा और भूखे पेट वह काम पर चला गया। गौरी, मेरी आवाज से तुम्हारी नहीं खुलेगी, तुम चीनू मुर्गे से कहो वह तुम्हें उठा देगा। और गौरी फिर बोलती है कि देखो मेरे दोस्त भीमा गधा, तुम मेरी आवाज से नहीं उठते हो, तुम एक काम करो, तुम चीनू मुर्गे को कहो वह तुम्हें अपनी आवाज से उठा देगा। भीमा चीनू मुर्गे के पास गया। भीमा, चीनू क्या तुम मुझे सुबह सवेरा जगा दोगे। भीमा जाता है चीनू मुर्गे के पास। चीनू कौन है, एक मुर्गा है। फिर जो वो गौरी गाय से नहीं उठता है तो वो फिर चीनू मुर्गे के पास जाता है कि तुम मुझे उठा देना। लेकिन वो उसके पास जाने के बाद वो जो मुर्गा था वो बोलता, हाँ मैं तुम्हें सुबह रोज उठा दिया करूंगा। चीनू, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है लोगों को जगाना, मैं तुम्हें जरूर जगा दूंगा। भीमा जो है चीनू के पास जा करके उसे बोलता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ जिससे कारण मुझे भूखे पेट जाना पड़ता है, क्या तुम मुझे सुबह जगा दोगे। तो चीनू बोलता है, हाँ मैं तुम्हें जगा दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा तो यही काम है, मैं सुबह सबको जगा देता हूँ और तुम्हें भी जगा दिया करूंगा जिससे कि तुम जल्दी उठ जाना और जल्दी उठ करके अपने काम पर चले जाना। अगली सुबह चीनू कुकड़ू को करता है लेकिन भीमा की नींद नहीं खुली। और अगली सुबह फिर से चीनू जो था वह कुकड़ू को करता रह गया लेकिन क्या हुआ, जो भीमा गधा था उसकी नींद नहीं खुली। दूसरे दिन भी नहीं जगा और वह उसे क्या हुआ, वो फिर से डांट खा करके ही बिना खाए हुए भी अपने मालिक के साथ काम पर चला गया। गौरी, वापस लौटकर भीमा फिर से उदास बैठा था और फिर जब वो काम पर से लौट कर आया तो वो क्या था, फिर से परेशान उदास होकर के बैठा था। गौरी, मेरी आवाज से तुम्हारी नींद नहीं खुली, तुम चीनू मुर्गे से कहो वह तुम्हें उठा देगा। गौरी गाय बोलती है, फिर देखती है भीमा गधा परेशान बैठा, तो वह उससे क्या बोलती है कि तुम मेरी आवाज से तो नहीं उठे थे, तुम एक काम करो, तुम मेरी आवाज से नहीं उठ पाओगे, तुम मुर्गे को कहो। उस मुर्गे का क्या नाम था, उस मुर्गे का नाम था चीनू मुर्गा। तो वह बोलती है, तुम जाओ तुम चीनू मुर्गे से बोलो कि तुम वो तुम्हें सुबह रोज अपनी बात से उठा दिया करेगा। भीमा चीनू मुर्गे के पास गया। भीमा किसके पास गया, चीनू मुर्गे के पास गया। भीमा, चीनू क्या तुम मुझे सुबह सवेरे जगा दोगे। और भीमा उससे बोलता है कि चीनू मुर्गा, क्या तुम मुझे सुबह को जगा दोगे जिससे कि मैं सुबह जल्दी उठ के आके भोजन कर सकूं और फिर उसके बाद काम पर जा सकूं जिससे मुझे दिन भर खाली पेट ना रहना पड़े। चीनू, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही लोगों को जगाना है, मैं तुम्हें भी जरूर जगा दूंगा। तो चीनू बोलता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी जगा दूंगा क्योंकि मेरा क्या काम है, मैं सुबह सुबह सारे लोगों को अपनी बांध मार मार के अपनी आवाज से सुबह सुबह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके सारे लोगों को, जितने भी पृथ्वी पे लोग हैं, जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, उनको मैं सुबह सुबह अपनी आवाज से जगा देता हूँ, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी जगा दूंगा और तुम भी सुबह सुबह मेरी आवाज से उठ जाना और भोजन करके ही अपने काम पे जाना। अगली सुबह चीनू कुकड़ू कू करता रहा लेकिन भीमा की नींद नहीं खुली। चीनू ने भीमा को सलाह दी कि वह मोती कुत्ते के पास जाए। और फिर सुबह क्या हुआ, चीनू जो मुर्गा था वह कुकड़ू कू करते रह गया, सारे लोग जग गए लेकिन भीमा गधा तो गधा का गधा ही था, वह नहीं जगा और उसे फिर से
लेट अपने मालिक के साथ काम पे जाना पड़ा था। चीनू मुर्गे ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मोती कुत्ते के पास जाओ, हो सकता है कि वह तुम्हें जगा दे। भीमा, मोती क्या तुम मुझे सुबह जगा दोगे? फिर भीमा किसके पास जाता है? मोती कुत्ते के पास जाता है। वह उससे भी बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सुबह रोज खाली पेट चला जाता हूँ क्योंकि मैं जल्दी उठता नहीं हूँ, जिसके कारण देर हो जाती है और मेरा मालिक जो है मुझे खाने को नहीं देता है और मैं दिन भर उसकी डांट खा करके खाली पेट रह जाता हूँ। लेट से आने लौटने के बाद मुझे भोजन मिलता है लेकिन मैं बहुत उदास होकर के खाली पेट में उसे खाता हूँ। वह फिर उससे बोलता है कि भीमा जो गधा जो था वो मोती कुत्ता बोलता है, क्या तुम मुझे जगा दोगे? मैं सुबह देर से उठता हूँ और रोज अपने मालिक की डांट सुनता हूँ। वह अपनी सारी कहानी मोती कुत्ते को बताता है। मोती, क्यों नहीं भीमा, मैं तो वैसे ही रात भर जागकर रखवाली करता हूँ, मैं तुम्हें सुबह सुबह ही जगा दूंगा। तो मोती कुत्ता बोलता है, मैं तो रात भर जागकर के सारे लोगों की रखवाली करता हूँ, देखभाल करता हूँ, तो मैं सुबह सुबह तुम्हें भी जगा दिया करूंगा जिससे कि तुम जल्दी उठ करके भोजन करके ही अपने कार्य में जाना। भीमा निश्चिंत होकर सो गया। भीमा क्या हुआ, बिना चिंता के बिना परेशानी के सो गया। उसे लगा मोती कुत्ता तो मुझे उठा ही देगा। अगली सुबह मोती भौंकता रहा लेकिन भीमा की नींद नहीं खुली। अगली सुबह फिर वही काम हुआ जो गौरी गाय और चीनू मुर्गे ने किया था, लेकिन भीमा गधे की नींद नहीं खुली थी। उसी प्रकार मोती कुत्ता भी सुबह सुबह भौंकता रह गया लेकिन भीमा गधा तो गधा था, उसकी नींद नहीं खुली। गौरी, चीनू और मोती तीनों भीमा के लिए चिंतित थे। ये तीनों दोस्त जो थे, गौरी, चीनू और मोती, गाय, मुर्गा और कुत्ता, ये तीनों जो उसके दोस्त थे वो तीनों उसके लिए बहुत ही परेशान थे, चिंतित थे। तीनों सोच रहे थे कि भीमा की मदद कैसे करें और वो तीनों मिलकर के सोच रहे थे कि ये भीमा गधे की मदद कैसे की जाए। मोती को एक उपाय सुझा, तभी कुत्ता मोती को एक उपाय सुझा। अगली सुबह तीनों भीमा के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और फिर जब अगले दिन सुबह हुई, दूसरे दिन सुबह हुई, तो तीनों मिलकर के गए और तीनों जोर जोर से अपनी आवाज में चिल्लाने लगे। भीमा हड़बड़ा कर उठ बैठा और उस समय जो भीमा था इतनी आवाज सुनकर के हड़बड़ाया और जल्दी से उठ करके क्या किया, बैठ गया। अपने मित्रों के कारण आज भीमा समय से पहले उठ गया था और अपने अच्छे मित्रों के कारण, जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं वो हमारी हमेशा सहायता करते हैं, उसी प्रकार भीमा गधे के भी जो ये तीनों मित्र थे वो बहुत उसके अच्छे मित्र थे। उन तीनों ने उसे दूसरी सुबह बहुत अपनी तीनों की आवाजों से चिल्ला चिल्ला करके उसे उठा दिया और उसे समय से पहले उठा करके उसे भोजन करवाया। वह तैयार होकर अपने मालिक के आने का इंतजार करने लगा और वह उस दिन दूसरे सुबह इतनी जल्दी उठ गया था कि वह जल्दी से तैयार होकर के क्या कर रहा था, अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। आज भीमा को मालिक की डांट नहीं सुननी पड़ी और आज वह बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि आज उसे अपने मालिक की डांट नहीं सुननी पड़ी थी, क्योंकि वह जल्दी उसके तीनों जो दोस्त थे मिलकर के उसे उठा चुके थे और वह तैयार हो चुका था और तैयार होकर के वह क्या कर रहा था, अपने मालिक का इंतजार कर रहा था और इसीलिए उसका मालिक उसे देख करके बहुत खुश हुआ और वह खुशी खुशी काम पर गया और वह फिर उसके बाद खुशी खुशी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने मालिक के साथ काम पर गया। वापस आकर उसने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया और उसके बाद उसने क्या किया, वापस आने के बाद अपने मित्रों को धन्यवाद दिया। धन्यवाद।